Dear trolls, आप लोगों के हिसाब से एक कपल को अपने रिलेशनशिप में खुश रहने का कोई हक नहीं। And according to you, being in love is a crime. In fact, being in love online is a bigger crime. Dear trolls, I think it's time we sit down face to face and talk about it. Because guess what? This is MTV Troll Police, where no troll is safe. Welcome to MTV Troll Police. Thank you. Anusha and Karan. सबसे पहले 2018 की पहली हिट है 1921. Karan, congratulations. Very proud of you. We'll start with Anusha. You've been with MTV for a very long time. अभी भी यूथ के साथ बहुत जुड़ी हुई हैं. आपका शो हाल ही में जो आया था, it's done very well. Thank you. बहुत सारे ब्रांड्स आपको इंगेज करते हैं सोशल मीडिया में, आप यूट्यूब पे भी काम करती हैं. इतना प्यार मिल रहा है फिल्म से, टेलीविजन से, इंटरनेट से. जहाँ इतना सारा प्यार होता है वहाँ पे कुछ हेट्रेड भी होता है. मेरा फंडा बहुत क्लियर है यार. मुझे मालूम है कि दे जेलस एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट. फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में. कोई अगर कुछ अच्छा लिख रहा है तो वहाँ पे जाके चले, बट आई कांट इवन से दोज वर्ड्स दैट दे यूज. सी, हाउ लॉन्ग कैन यू कीप रीडिंग सच स्टफ, यू नो, बिकॉज आपने मेहनत की है यार. आप एक पढ़ते हो, दो पढ़ते हो, आपको चाहिए वो है. When you start reading the same thing again and again, you start wondering, यार ये सही है? Yeah, of course. कहीं मैं ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? So let's talk about now you guys. जब से आप लोग एक साथ हुए हैं, उसके बाद से trolling बदली है आप? For me, tenfold. Maybe I lived in a bubble. मेरा bubble था. It was pink, pretty, style, fashion. MTV. I was MTV, happy, go lucky. You know, all of that positive thoughts. And फिर? उसके बाद, I started dating Karan Kundra. और मुझे पता नहीं था कि मेरा life इतना change हो जाएगा. Like, I'll get a little bit emotional because it's been very difficult for me. मतलब, हर सुबह, I'll read at least 50 comments. Wow. आप ऐसी हैं, वैसी हैं, आप गंदी हैं, आप कल्चर नहीं है आपके पास, आप I can't even say the things, the language they use. मैं obviously मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं समझ सकती हूँ कि आप बोल रहे हैं. और whatever those words are. और मैं ऐसी, मतलब how could my mom and dad even read something like that? You know? And it happens every single day. Main black magic kar rahi hu uske upar. You know, I'm forcing him to be with me. His family is so cultured. You're bringing his family down. You're bringing his family name down. You know, all of these things they say and they don't know. Main itni, matlab, hard work karti hu. मैं इतनी फोकस्ड है मेरा करियर में. आई हैव अ ब्यूटिफुल फैमिली. और वो लोग मेरी फैमिली के बारे में बोलते हैं कि आपका फैमिली मतलब कैसे होते हैं कि आप जैसी लड़की ऐसे कपड़े पहनती हो एंड योर फैमिली इज ओके विद इट. यू नो, दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे से. दे डोंट नो वेयर आई एम फ्रॉम, दे डोंट नो हु आई एम, एंड येट दे कीप हरासिंग मी एवरी सिंगल डे. तू रोते बहुत सोनी लग रही है. करण, सब हमारी गलती नहीं है. नहीं. But you sometimes feel guilty about what's going on. I absolutely do because this is what she has to wake up to every day. हमारे बीच में problems आ जाती हैं इस चक्कर में. What are the trolls managed to do? मेरे घर में पंगे हो रहे हैं इसको लेके. मेरी मॉम ने मेरी सिस्टर को डांट दिया जब मेरी सिस्टर ने बताने की कोशिश की, मम्मी आप किसकी बातों में आ रहे हो, आप किसकी चीज़ें सुन रहे हो, वो आपके बेटे के पीछे पड़ी हुई है, पैसों के लिए है, ये है, वो है. एंड यू नो 90% अगेन द सेम थिंग. यू डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ कुछ बातें बैठ जाती हैं. यू नो व्हाट आई मीन.
सो इट्स नॉट दैट शी बिलीव एवरीथिंग बट देन शी इज नाउ स्टार्टेड कभी कभी वो रिएक्ट कर देते हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैम या तो आप उसकी सुन लो या तो आप जो है वो कर लो वो even, लोग even यही चाहिए कि हम ब्रेकअप करेंगे दैट्स व्हाट दे वांट व्हाई आर यू बिकॉज़ दे लव कृतिका एंड करण टुगेदर कृतिका एंड करण वर इन अ टीवी शो दे लुक्ड ग्रेट दे वर यू नो एवरीबॉडीज लव दिस वाज 9 इयर्स अगो एंड दे कांट गेट ओवर इट सो दे इवन मैसेज सेइंग कृतिका इज सो मच बेटर फॉर करण इसकी लाइफ में नहीं है ये कृतिका की लाइफ में भी यही प्रॉब्लम है करण By the end of this journey, MTV told me you'll actually see at least one of these guys or girls in front of you. For me, it's not important that I'm meeting these people. It's important that people who are watching this show, because when I saw Tapsee episode, I got very inspired by this. I went and tweeted. I remember I congratulated everybody. So, kya main maan lo that you guys are ready to see some of the comments absolutely. That we've pulled from the internet? Yeah, absolutely. Best of luck, guys. Thanks. अब ये देखो ना यू शेमलेस वुमन स्पेयर दिस बॉय यू आर द एज ऑफ एन आंटी टू हिम कवर योरसेल्फ बीइंग बेयर चेस्टेड इज नो फैशन यू लुक लाइक अ फॉलन वुमन वन वांट टू वॉमिट गेट रिड ऑफ सो शी इज टेलिंग एमटीवी इंडिया टू गेट रिड ऑफ यही है वो लड़की यही है ये कभी जेन के नाम पे होती है This is that person. क्या लिखा है? कभी अफजल के नाम पे होती है कभी कुछ होती है This is the same person और this is a group of people. आपको लगता है ये बार-बार अनुषा को इसलिए ट्रोल कर रहा है या कर रही है because और आपके मॉम तक भी पहुंच चुके हैं या इनके जैसे कोई ये सीरियल ट्रोल कर रहे हैं आपको Yeah, and this is happening for a long time. You know about this Jane. Yeah, I know about Jane और जेमी बनकर आप दोनों को तंग करता है 100% because this is the same kind. See, there's a language you know pattern that I've followed. वो same pattern है. You specialize in breaking decent families, taking their boys. What a rotten rat you are! After ruining lives of KK family, you are with him. God will punish you. Satan will descend on you, showing only false angelic side of you to all, not actual satanic side. So this is that who is creating problems at my house. This is that. Don't. और ये बहुत ही educated औरत है और अच्छे culture की educated औरत है जो ये सब कर रही है. इसने ये मेरी फैमिली के पीछे पड़ रखी है अरे मेरे भांजे यार जो 20-20 साल के हैं जो अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कहीं पर उनको भेज रही है The ones in the US. Yeah. आपको कैसे पता कि ये कौन है और देख, एक टाइम होता है ना आपने चेक करा है हाँ 11th Jan हाँ कुछ दिनों पहले की है For free food, you took a son from his mother. It will turn into cancer. क्यों पढ़ रही है तू ये सब क्या लगा तेरे को मतलब You know, Jane, my mom had cancer. तो आप ऐसा बात नहीं कर सकते. And my mom fought it. और आप ऐसा लग रहे हैं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं और आपको पता नहीं है आप क्या बोल रही है और ये कैंसर जोक नहीं होते You tramp. Please say Kundra, open your eyes before it's too late. Turn back home. They don't know what they're saying. They don't know what they're saying. I'm so sorry you have to go through all of this because of these people. Yes, but his mom is going through it and I can't do anything about it. And I would never want my mom to go through that, to read this about her own daughter. This is what happens every day. We're going to change it. Anusha. हम लोग एक साथ यहाँ पर इसीलिए हैं बिकॉज वी गोना चेंज दिस वी नॉट गोना हम जितने भी ये लोग हैं उनको ऐसे आसानी से नहीं निकलने देंगे इट्स टाइम फॉर देम टू रियलाइज कि वो क्या डैमेज कर रहे हैं हमारी लाइफ्स में इट्स टाइम टू टर्न द टेबल्स रियली टाइम टू टर्न द टेबल्स आई कांट इमेजिन ये आप रोज सफर कर रहे हैं
अपनी लाइफ में. योर मदर इज गेटिंग अफेक्टेड, योर फैमिलीज आर गेटिंग अफेक्टेड. होपफुली इन अ फ्यू डेज मेरे पास आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन होगी और कुछ न्यूज होगी. कम लेट्स गो. Using social engineering and Twitter analytics, cyber investigator Ritesh Bhatia and his team have made a lot of progress in the past 48 hours to trace the serial troll Jail. Now it's time for CI Bhatia to brief Ranvijay. So Ranvijay, you know, हमने Jane के profile से reverse lookup किया. We went into Twitter analytics क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा वो उसको troll कर रही थी. वहाँ से जाके हमको पता चला Jane is not from this country. Okay. She's most likely from Pakistan. Okay. This girl seems to be very obsessed with Karan. Hmm. And hence, if you see all her remarks, all her trolls are for Anusha. Obviously, इस ट्रोल से अनुषा और करण को काफी दुख पहुंचा है, but इस ट्रोल को मना नहीं पा रहे हैं because वीजा इश्यूज एंड लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स. ट्विटर पे जेन हैंडल यूज करने वाला शख्स नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में है. आफ्टर डिस्कवरिंग दैट देयर वाज नो वे टू गेट टू जेन, सीआई भाटिया और उनकी टीम शिफ्टेड द फोकस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट एन इक्वली विशियस एंड अ सीरियल ट्रोल. एंड सून दे मैनेज टू अनकवर द आइडेंटिटी ऑफ येट अनदर ट्रोल. आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक जो सीरियल ट्रोल हो. तो मीट दीक्षित, ये है नोएडा से. फेसबुक पे भी नहीं. इन्वेस्टिगेशन का तीसरा दिन. ट्रोल की आइडेंटिटी का पता चल चुका है. इट्स टाइम टू टेक दिस इन्वेस्टिगेशन टू द नेक्स्ट लेवल, जहां रणविजय, करण और अनुषा को उनके विशियस ट्रोल के बारे में बताएंगे. लास्ट टाइम जब आप दोनों यहां पर थे तो इट वाज अ वेरी हैवी सेशन. एंड उस दिन आपने मेरे को एक ट्रोल के बारे में बताया था. हमने उसके बारे में खूब जानने की कोशिश की. वो किसी और देश में है, बट हमारी टीम ने बहुत रिसर्च की एंड वी हैव फाउंड अनदर ट्रोल जिसने ना सिर्फ आपको या आपको, आप दोनों को भी एक पर्सनल एजेंडा के साथ आप लोगों को ट्रोल किया है. इसने हमारे सीआई ने उनके काफी सारे डिटेल्स निकाले. यू गाइस रेडी? कैन वी हैव द कमेंट्स? तेरी लाइफ बिगाड़ रही है, संभल जा, नहीं तो चुड़ैल सब सब बर्बाद कर देगी. हो सके तो प्लास्टिक सर्जरी करा ले, इस शक्ल के साथ तेरा कुछ नहीं हो सकता. हो सके तो कूद कर मर जा, वर्थलेस कपल. ये वही स्कूल ऑफ थॉट है जिससे आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आई है. आपकी मदर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और दिस इज द काइंड ऑफ ट्रोलिंग एंड वी फाउंड अ पर्सन लाइक दैट. इट्स सो फनी यू नो फॉर देम टू इवन राइट दैट आई कैन डिस्ट्रॉय हिज करियर. ही जस्ट हैड अ हिट फिल्म. आई एम नॉट सेइंग आई शोड हिम हाउ टू एक्ट बट आई वाज देयर बाय हिज साइड. नेक्स्ट कमेंट. ऊपर वाले को थैंक यू बोल, कैसे तुझे एक बॉयफ्रेंड मिल गया, नहीं तो तेरे जैसे बुटी को डिवोर्स आदमी ही मिलेगा. और फंसा यंग लड़कों को मज़े कर. अगर ये औरत है तो ये वैसी औरत है जो दबाव में पली बड़ी है. अगर ये आदमी है तो फिर तो भाई मतलब कि प्रॉब्लम, आई थिंक अगेन इट्स एन अपब्रिंगिंग प्रॉब्लम. शक्ल छुपा कर ही रखा कर, किसी को दिखाने लायक नहीं है. वैसे भी पता नहीं ऐसी शक्ल के साथ किसने बॉलीवुड में कास्ट कर दिया. सेम पर्सन. हाँ. एंड दिस एक्चुअली वाज लविंग यू. पहले तीन कमेंट से लग रहा था कि दिस पर्सन इज इन लव विद यू, ऑब्सेस्ड विद यू. ओह माय गॉड. फुल हेट. नेक्स्ट. ये लव स्कूल के शूट के टाइम पे भाई, अब तो घंटे के हिसाब से भी रूम मिल रहा है. वैसे चालू रखो, लाइव का मजे कुछ और है. क्या मेंटालिटी लग रही है आपको इस इंसान? I just think this is the sweetest picture ever and they just make it so, मतलब कितना चीप बना सकते हैं मुझे समझ नहीं आता है. आपने अपने
दिमाग में एक इमेज बना ली होगी इस ट्रोल की, पर मैं अभी आपको इस ट्रोल की असली शक्ल, असली आइडेंटिटी बताने वाला हूँ। कुछ फुटेज है मेरे पास आपको दिखाने की, कौन से कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, कैसी बिल्डिंग में काम करता है। वी गॉट दैट फुटेज, आई वांट टू सी इट। ही इज गोइंग टुवर्ड्स वो जो नोएडा में सब ऑल द मीडिया हाउसेज आर देयर, ही इज गोइंग वन ऑफ दोस बिल्डिंग्स। मेरे दिमाग में ट्रोल्स तो वो होते हैं जिनके पास काम धंधा नहीं है कोई, तो ये तो अच्छा खासा मतलब अच्छी जॉब होगी इसकी, मतलब अच्छे कपड़ा, अच्छा रहना, अच्छा well खाना, अच्छा पीना। We got in touch with him, हमने बोला कि हम यहाँ पे एक ब्रांड के लिए एक फोटो शूट कर रहे हैं, एंड वी वांट नॉर्मल कूल पीपल, बिलीवेबल, ऐसे मॉडल्स के साथ नहीं करना है। तो ही बॉट इट एंड ही ऑल्सो टोल्ड अस कि वो वैसे भी बॉम्बे आ रहा है एक इंटरव्यू के लिए, सो इज एक्चुअली फॉर अ रियल इंटरव्यू, और लगे हाथ ही इज गोइंग टू बी कमिंग फॉर दिस वन शूट। कैन वी सी दिस फुटेज प्लीज। ये इस समय बॉम्बे आए हुए हैं फॉर अ जॉब इंटरव्यू। इनका नाम है अनिमेश दीक्षित। He's actually going to one of these companies जहाँ पर बहुत animation होते हैं, you know this company. He's probably अगर थोड़ी देर पहले किया था तो मेरी picture में काम किया होता इसने फिर तो animation में। इनका Instagram profile आपको दिखाना चाहता हूँ। एक फोटो में तो लग रहा है कि अपने डैड और अपनी फैमिली के साथ बहन भी है। करेक्ट, इट लुक्स लाइक अ फैमिली। हां वो उसकी सिस्टर लग रही है, वही सिस्टर लग रही है। गो अप एंड देन एक और लड़की के साथ बहुत सारी फोटोग्राफ्स है जो ऐसा लग रही है या तो फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है। टेकिंग द सेम पिक्चर्स दैट वी वर। यार आई रियली वांट टू टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट प्रॉब्लम है भाई। What's the problem? You got everything going for you in your life. He's ambitious. He knows his thing. Animation mein study kiya, that means he's smart enough to know what the future is. So you guys ready? Absolutely. Okay, let's go. Troll Police ki team ne ek plan figure out kiya. Animesh happened to be in Mumbai for a job interview. Wo ek brand ke shoot ke liye Malad ke ek photo studio bhi aane wala hai. और उसे फोटो स्टूडियो पहुंचाएगी ट्रोल पुलिस की ये कार, जिसको क्रू ने पहले से ही कैमोफ्लाज माइक्स और कैमरा से कवर कर दिया है। इस सब में ट्रोल पुलिस की हेल्प करेंगे करण कुंद्रा एज अ ड्राइवर इन अ डिस्गाइज्ड अवतार। यू नो जब भी ये लोग हमें नफरत देते हैं ना सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ, तो हम हमेशा एक वो होता है कि यार कभी ऐसा मौका मिले जब हम इन लोगों से बात कर सकें, इनकी साइकी समझ सकें कि ऐसा क्यों करते हैं। मैंने उस बंदे का कभी, मैं जानता नहीं उस बंदे को कौन है, मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है। Why is he trying to say all of these nasty things to me? I always wanted to find out कि ऐसा कुछ होता है तो क्यों होता है। So this is gonna be fun. I just have to say one thing, पहली बार मैं अपनी शक्ल छुपा के ट्रोल्स की बजाने वाला हूँ, नहीं तो हमेशा उल्टा होता है। DP के पीछे, फेक ID के पीछे छुप जाते हैं। Now let them face music. Animesh does not know the fact ki is gaadi ka driver Karan Kundra hai. Usne pichle kai saalon se Karan aur uski girlfriend Anusha ke liye degrading aur shameful baatein kahi hain. Will Karan find the answers he is looking for? Bhaji apna MTV ki taraf se. Animesh? Haan ji. Aajo baitho. मैं कहा था इनको कि आपका प्रॉपर एड्रेस दे दो, पर वो उनके पास था नहीं, मैंने दिया नहीं उन्होंने। फोटोशूट वाले स्टूडियो जाना ना? हाँ जी भाई। दिल्ली साइड के हो आप? हाँ जी भाजी। अच्छा, MTV के लिए काम करते हो? नहीं भाजी, एनिमेशन करता हूँ भाजी मैं तो। एनिमेशन? हाँ हाँ। यहाँ पे भी देख रहा हूँ कुछ। अच्छा, मुंबई मुंबई में कुछ मिल जाए। अच्छा, मेरे मामा जी ना पुरानी फिल्मों में काम करते थे एक्स्ट्रा। अरे तो वो ये कंपनी उन्हीं की अब जिनकी गाड़ी चला रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मेरा काम ही MTV के साथ घूमना ना, ये प्रोडक्शन हाउस, ये वही गाड़ी उन्हीं की, आर्टिस्टों की। तो कल मेरे पास आर्टिस्ट आए दो, बड़े आते तो बड़े सही थे,
जाते हुए पाजी मेरा तो मतलब कमी मेरा तो शर्मा आ गया मैं उनसे वो पीछे लगे हुए हैं पाजी। आज के दिन तो पाजी सब कुछ चलता है, सब कुछ सही है, चलो खुल रहा है। यही है जनरेशन पहले का था कि चलो जो एक है उसी के साथ सारा चल रहा है। अब तो चेंज हो गया मामला, अब तो आज कोई कल कोई परसों कोई किसी के साथ ही नहीं मामला। हाँ ये ठीक है पाजी आपका, पर मेरा मानना है पाजी कहीं ना कहीं रिश्ते छोटे होते जा रहे हैं आज के दिन। रिश्ते छोटे होते जा रहे हैं, रिश्तों की जगह नहीं बचती आज के दिन। आता अब यहाँ देखो पाजी, देखो ये देखो, सही तो है पाजी, अब सूट भी पहन रखा और क्या जान लोगे पाजी। तो फिर हाँ देखो मैं ये तो परेशान हूँ, देखो देखो ये देखो ये तो लड़के लड़के हैं दो। चलो क्या अब क्या आपका क्या नोशन है इसमें आपका, क्या क्या समझते हो आप इसको पाजी? कहाँ जाएंगे ये बेचारे, हमारी भी गर्लफ्रेंड है, हम भी कहीं बैठते हैं, हम भी कहीं जाते हैं। अब जिस पे पैसा है वो तो चला जाता है अपना कहीं भी लेकर, जिस पे पैसे नहीं है वो बेचारा कहाँ बैठेगा, वो ऐसे ही लगा के बैठे हैं साइड। कहीं पैसे हो तो कोई अच्छी जगह बैठ जाए। आपकी है गर्लफ्रेंड है कोई? मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे को तो नहीं समझ आता ये कुड़ियां जो हैं कपड़े कैसे पहनती हैं, क्या कल्चर है उनका, कौन से घरों से आती हैं, कैसे पता चले? अब तो भाजी अगर मुंबई में रह रहे हो अब तो अपडेट हो जाओ भाजी, अब नहीं अब तो चलता है थोड़ा बहुत तो चलता ही है भाजी। हाँ ज्यादा छोटे हो गए या ज्यादा कुछ हो गए, वैसे मेरी तो ये है कि भाजी जब लड़के ऐसे घूम सकते हैं और लड़कों को हम नहीं रोकते तो फिर लड़कियों को क्यों रोकते। अनिमेश के रियल लाइफ थॉट्स और उसकी ऑनलाइन हरकतें बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। करण का यही इरादा था, अपने आप को डिस्गाइज करके ही वांटेड टू लर्न मोर अबाउट द रियल अनिमेश। एंड करण लर्नड कि अनिमेश एक ड्यूअल लाइफ जी रहा है, एज अ सेंसिबल सॉर्टेड यंगस्टर एंड एज अ विशियस ट्रोल। तो पाजी आप जितना दिल्ली से हो, हाँ पाजी, तो वहां पर भी मैं ऐसे ही मतलब जितना कुड़िया मुंडे ये चलता है ओपन है सारा? क्या तो वहाँ तो पाजी और भी ज्यादा ओपन लगता है, कपड़े कुपड़े सारे मतलब ऐसे बॉम्बे जैसे ही हैं कि? कपड़े कपड़े तो नहीं कहूँगा इतने ज्यादा, पर हाँ जो पहन रही है वो पहन भी रही है, जो छोटे पहन रही है वो वेस्टर्न कल्चर हो गया ना भाजी। मेरे को समझाओ अपना दिदत आपकी गर्लफ्रेंड है उसके साथ आपने फोटो वोटो डाली हुई है फेसबुक पे? नहीं मैं नहीं डालता। ये जो किस विस करके फोटो डालते हैं फेसबुक वगैरह पे, ये सब अभी फैशन में? पाजी अपनी मर्जी है, वैसे चलता तो सभी है, करते तो सभी है। आप करोगे ऐसा कुछ? मैं तो नहीं पाजी, मैं ज्यादातर डालता नहीं हूँ, या फिर ठीक है अपनी लड़की है अपनी इज्जत है, साथ में आज गर्लफ्रेंड है कल को वाइफ बन जाएगी क्या अच्छा रह जाएगा फिर उसमें। समझाओ जरा आप मेरे भाई की एज के हो, तो ये जो किस करते वो ये फोटो अपनी डाली हुई है इसने अपनी गर्लफ्रेंड की, तो क्या मैं उसको बोलूं जाके पाजी? मारने मत लग जाना बस। नहीं पाजी नहीं, पर पाजी मेरे को ये समझाओ ये फोटो का क्या कैसे मतलब, कोई परहेज नहीं कोई कुछ नहीं? सही है पाजी अपनी तरफ से, अगर लड़का है अब तो बड़ा हो गया, अब तो खुद की समझदारी है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। करण एंड अनुषा को ऑनलाइन टारगेट करने वाला ट्रोल अनिमेश हमारे फोटो शूट लोकेशन पे पहुंच चुका है, थिंकिंग ही इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ फोटो शूट। What he doesn't know is that the photographer isn't the only one with a camera. Crew ne pure location pe cameras install kar liye hain to capture the inevitable confrontation. Uske is photo shoot ko Ranvijay and Anusha live control room se dekhenge. It's time to see ki Karan aur Anusha ko disgusting aur demeaning messages bhejne wala Animesh kaise react karega after seeing them face to face. Will he deny everything? Will he be apologetic? It's time to find out. अनुषा ये है कंट्रोल रूम, यहाँ से इस स्क्रीन पे आपको सारे जितने भी कैमरास उसकी फीड आ रही है। What's going on? Freaking out. I'm so nervous. मैं nervous हूँ करण के लिए भी। क्यों? Because वो कारी में थे ना, so I hope वो सब अच्छा हुआ। सब ठीक हो। Coming. Hey,
वो हमारा क्रू मेंबर और उसके साथ आपका ट्रोल। आपके लिए सेटअप रेडी है, तैयार हो जाओ। कैसा लगा पहली बार देख के? I still can't believe it. अब बैठिए, कंफर्टेबल होइए। I understand first time on camera, so. You okay? No. ये सब टेस्ट शॉट्स कर रही हूँ मैं। Very nice. Okay. Just relax. कपड़े थोड़े ऐसे कर लो, कपड़े दिखने चाहिए, हम कपड़े बेच रहे हैं end of the day. Yes. Very nice. So normal. He's so normal. If I ever met him in real life, मुझे कभी ऐसा कभी नहीं लगेगा कि वो इतना गंदे गंदे शब्द लिख सकते हैं और इतना गंदे गंदे सोच सकते हैं. Can't believe it. What you see is not what you get. Exactly, and that's what they think about me. वो लोग देखते हैं और ऐसा लगते हैं मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, but they don't know what I am. But then they should take a look in the mirror. Variation दे दो कुछ, ऐसे हाथ ऐसे कर लो. इन स्माइल यार, ऐसे मतलब मार के नहीं बिठाया तुम्हें, हंस लो थोड़ा. खड़े हो जाओ थोड़ा, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, नर्वस लग रहे हो आप थोड़े. सी, फोटोशूट्स इतना आसान नहीं होता है, उनको भी नर्वस फील हो रहा है. इट्स सो ईजी टू पुल अस डाउन. हमारा काम इतना आसान नहीं होता है. ये जैकेट पहन लो. इसी के ऊपर? हाँ, वो निकाल दो, इसके ऊपर ही पहन लो. अनुषा, करण इज हियर एंड ही इज चेंज्ड फ्रॉम हिज जो भेस बदल के गए थे एंड वी आर गोना जस्ट गेट हिम इन. हो गया शुरू इसका? हाँ. हाउ इज इट जब आप उसको when you were driving, did he know anything? Did you talk to him? Kuch interaction hua? Interaction hua. I spoke to him about where he's from, what does he do. I am shocked. He's a normal guy. Aur abhi itna nervous, sweet, shy. Yeah. No, but this is what he's pretending to be in front of you. Par asal mein jo uske vichar hain, wo uske comments mein bahar aate hain. Correct. This is called double standards, hypocrisy. So Karan, now the plan is ki Anusha is going to walk in like Anusha does as a brand ambassador. Yeah. All right. Anusha, best of luck. Let's start with the shoot. It's been a while. Hi, I'm Anusha. He's gonna. Anusha. Hi, nice to meet you. Thank you. Dekh, dekh uski shakal, dekh uski. He's smiling. Yeah, of course. See, he pretends to be a nice guy. So, what are we doing today? So, he's going to be posing with you, and we're shooting for the clothes. Okay. What's the look? You can sit with him on the chair if that's all right. Okay. What's the storyline? Basically, we want to shoot someone who's real, like not a model or something. So that's why we have him. So he's not a model. Oh, you're not a model. Okay. Where are you from? Delhi. Delhi. Delhi se hai. Delhi se. I think she's doing a good job. No, absolutely. She's gonna bring it. I'm just looking at him. भी वो उस लड़की के साथ बैठा हुआ है जिसको वो hate कर रहा है. इसको डूब के मर जाना चाहिए, कूद के मर जाना चाहिए। चलिए, let's start। मैं बहुत nervous हूँ। अब बहुत nervous हैं। Oh, first time photo shoot है, obviously. You know, actually, जब मैं photo shoot करती हूँ, मुझे भी nervous feel हो जाता है। अभी भी? Yeah, really. She's scared of him, by the way. Let's go. So, who's your favorite person on Instagram? Shahrukh. Shahrukh Khan. क्यों? Shahrukh. क्योंकि Shahrukh Khan है। तो ऑब्वियसली आप मुझे नहीं फॉलो करते ना? थैंक्स। तो आप हम नाराज फोटो करेंगे अभी। कहीं ना कहीं करण सर को करता हूँ फॉलो, उसमें आप दिख जाते हो मेरे को। यू फॉलो करण? हाँ, करण सर को। ओह, सो दैट्स आप दिख जाते हो तो मेरे को। आपको करण अच्छा लगता है?
नहीं, अच्छे लगते हैं पर खास नहीं। क्यों? ऐसे ही थोड़ा सा। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सॉरी। ठीक है ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आई वांट टू आस्क हिम कि भाई मतलब जब वो सामने आ रही है, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग पर्सन, लेकिन उसी के अकाउंट पे पीछे जाके छुप के तू बोल रहा है कि तू ये है, तू वो है, तू चुड़ैल है, तेको यू नो, तू ये कमरा ले लो। उसकी ओरिजिनल मेंटालिटी वही है कि एक घंटे में कमरा मिलता है, वहाँ चले जाओ। दैट्स द काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स दिस दिस गाय इज गोइंग थ्रू। ओह दैट्स सो क्यूट। ऑलराइट करण, गो, सी यू। आई विल सी यू। Hi. How's it going? Good. Hi. Hi. How are you doing? Karan. Animesh. Animesh. दोनों हाथ से पकड़ा उसने, दोनों हाथ से हाथ, जैसे मतलब बहुत इज्जत दे रहा है। How's it going? Good. You, Animesh का मेकअप नहीं हुआ क्या? How old are you, bro? 22. बिल्कुल. देखना यार, बुड्ढा लग रहा है यार वो. फोटोशॉप भी नहीं होगा, क्या करोगे? रिलैक्स हो जाओ। मैं क्या रिलैक्स हो जाओ यार? यार क्या कर रहा है यार तू? मतलब व्हाट इज दिस नर्वसनेस? काम करने आया ना? अरे फर्स्ट टाइम तो हम भी करते हैं यार। बट वॉट इज दिस यार, कोई भी मतलब उठ के आ जाएगा, तू भी शूट कर रही है। ये देख भाई, देख देख अपनी शक्ल। हाँ ये देख ले भाई, शक्ल ले। क्या है भाई तू? सर बस जस्ट लुक एट योरसेल्फ। व्हाट इज दिस? ये देख क्या है ये, दाढ़ी उगाली तो स्टार्ट है। हाँ से आ जाते हो यार, और तुम लोग क्या सोच के बुलाते हो यार? व्हाई यू वेस्टिंग हर टाइम? सिंपल सा फैक्ट है यार, आप एनिमेटर हो ना? अच्छा अच्छा अच्छा, गर्लफ्रेंड है आपकी? और जब सड़कों पे हमने लड़के लड़कियां देखे थे रोमांस करते हुए, उनके कपड़ों के बारे में बात हुई थी हमारी, याद आया कुछ? बजाना नहीं बजाना मेरे को, हम पहले मिल चुके हैं। देखो भाजी, देखो आपकी है गर्लफ्रेंड है कोई? मेरी गर्लफ्रेंड है। गाड़ी में पहचान लिया? सोच तो बहुत सही है यार तेरी, तेरे को पता तू यहाँ क्यों है? आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू गो इन, एंड अब इस ट्रोल को पता लगेगा दैट ही इज ऑन एमटीवी ट्रोल पुलिस व्हेन नो ट्रोल इज सेफ। लेट्स गो। मैं नहीं, एक्चुअली हम दोनों तुझसे मिलना चाहते हैं। हाय। हाउ इज़ गोइंग? ओह माय गॉड। बड़ा ब्रिलियंट जॉब है ना भाई। खड़ा रहे, खड़ा रहे। हाय। Welcome to MTV Troll Police. ये एक ऐसा शो है जहाँ पर हम आज की इंडिया को कुछ लोगों का जो असली चेहरा है ना दिखाने वाले हैं। MTV Troll Police. आपका नाम क्या है? अनिमेश। अनिमेश, अच्छे विचार हैं आपके, आई अप्रिशिएट इट। DIXIT दीक्षित, Z Z Z। ठीक है सर। ठीक नहीं है बेटे, ठीक नहीं है। तेरे को पता है हम किस चीज की बातें कर रहे हैं? हाँ सर, समझ गया। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ये करण और अनुषा की फोटोग्राफ है। आप इनमें से वैसे किसी को फॉलो करते हो? करण को करते हो? अनुषा को नहीं करते?
करण सर, काफी इज्जत कर रहे हो करण की. आई लाइक इट. पढ़ो. और फंसा यंग लड़के को मजे का. किसको बोला आपने? सर अनुषा को. What did you mean by this? सर एक्चुअली तू क्यों रो रही है यार? तू चाहती हो पेटे मेरे हाथ से? हाँ तू पढ़ना भाई, पढ़ पढ़. ये दोनों एक ब्रिज के ऊपर हैं ऑस्ट्रेलिया में. दोनों खुश लग रहे हैं. ऐसे लगते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खुश. पढ़ इसको. जोर से पढ़. हो सके तो प्लास्टिक सर्जरी. जोर से पढ़. मेरी आवाज आ रही है? यस. मेरे को तेरी आवाज इतनी चाहिए. हो सके तो प्लास्टिक सर्जरी करा ले. इस शक्ल के साथ तेरा कुछ नहीं हो सकता. हो सके तो कूद कर मर जाइए वर्थलेस कपल्स. हो सके तो कूद के मर जाइयो. ये समझाना चाहता था? हाँ सर. 20th November, 2 महीने पहले की बात है. 2 महीने में सोच बदल. तूने 2016 से मतलब 17 नवंबर की बात करते हैं. जोर से पढ़ियो. सुन भाई, तेरी एक्स कृति बहुत अच्छी थी. ये बुद्धि ये बुड्ढी ये बुड्ढी हाँ बुड्ढी सर आई कॉल रहा आगे. तेरी लाइफ बिगाड़ रही है. संभल जा नहीं तो ये चुड़ैल सब बर्बाद कर देगी. I'm sorry, Anusha. ये पढ़. It's fine. ये ले पढ़ इसको. भाई अब तो घंटे के हिसाब से रूम मिलेंगे. मिल रहे हैं. वैसे चालू रख, लाइफ का मजा ही कुछ और है. क्या? एक मिनट. I don't know, man. I just because. तेरी तेरी का सर. तेरी का सर. क्या प्रॉब्लम है इस पिक्चर में? तो अभी थोड़ी देर पहले इस बेंच पे ना अनुषा के साथ ऐसे खड़ा था. ऐसे खड़ा था कि नहीं खड़ा था? हाथ हाथ पकड़े हुए थे. आई डोंट नो हाउ यू डिड इट. आई आई हैट्स ऑफ टू यू. इट्स गोइंग टू बी ओवर. वैसे चालू रखो, लाइफ का मजा ही कुछ और है. तेरे को मैं इसके साथ लाइफ के दिखा रहा था. गर्लफ्रेंड है तेरी? ऑफ कोर्स. राइट. अगर तेरी सिस्टर को या तेरी मॉम को मैं बताऊं कि तू ऐसी चीजें लिखता दूसरों के अकाउंट्स पे जाके? सर मुझे नहीं पसंद सर कि आप लोग एक एग्जांपल हैं सबके लिए. और करेक्ट. और कहीं ना कहीं सर जब आप लोग कहीं पीछे हटते हैं, किसी के साथ पीछे हटकर और किसी और के साथ आते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आज के सब कैजुअल हो गया सर. अच्छा. सारी रिलेशनशिप्स सब कुछ कोई सीरियसली नहीं लेता इन चीज़ों को. इसलिए शायद सर मैं. किस चीज़ की बात कर रहे हो? बिकॉज इनके रिलेशन के बारे में बहुत चीज़ें कही हैं. सर मेरी टाइप ऑफ खुंदस थी क्योंकि करण सर कपल शूज करते हैं. मुझे नहीं पसंद था कि आप थे एक रिलेशनशिप में या आप हो एक रिलेशनशिप में और उसके बाद आप मूव ऑन कर गए और मैं भी था कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में. मैं भी उस चीज़ को वो रख रहा था कहीं ना कहीं. मैं भी सीरियस था काफ़ी. और जिस कैजुअल वे में कोई भी छोड़कर चला जाता है किसी भी रीजन पर कुछ भी कहकर, मुझे वो पसंद नहीं है. किसी ने आपको छोड़ा? राइट सर. वो ब्रेकअप हो गया ना आपका उस लड़की से? हाँ सर. दैट्स योर प्रॉब्लम. योर प्रॉब्लम इज दैट गर्ल बिकॉज शी मूव्ड ऑन टू अ बेटर थिंग और उसने सीख लिया कुछ अच्छा, इसलिए तुझ जैसे भद्दे आदमी को छोड़ गई. वो सहन नहीं हुआ तुझसे. ठीक है, ही मूव्ड ऑन, इसकी प्रॉब्लम है. तू एक्सप्लेन कर कि तेरी प्रॉब्लम क्या है. सर आई रिस्पेक्ट गर्ल्स, आई रिस्पेक्ट वुमेन. ओके. और मेरा कहीं सोच कुछ वो नहीं है आप लोगों के बारे में कुछ गलत बोलूं. मेरी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इन्हीं कुछ चीज़ों से कि जब आप
लोग आप सेलिब्रिटी हैं, आपको देखकर इतने लोग एडमायर होते हैं, और जब आप ऐसा करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी लोग जो नॉर्मल हैं प्रभावित हो जाते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये फील करने लग जाते हैं कि जब कल ये लोग ये सब कर सकते हैं, कोई भी आराम से मूव ऑन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो और इसका एक्चुअली आपको फ़र्क पड़ा बिकॉज आपकी एक्स गर्लफ्रेंड मूव ऑन कर गई आपको आराम से छोड़ कर। राइट। ओके, आपके पेरेंट्स एक साथ हैं? यस सर। यस सर। कितने साल से? 14 इयर्स। और आपकी उम्र क्या है? सर 22। मैच नहीं हो रहा। राइट सर। वजह बताइए। मेरी मॉम की डेथ हो गई थी सर। वेरी सॉरी टू हियर दैट। योर डैड शुडंट हैव मूव्ड ऑन ना? हम लोग नॉर्मल हैं सर, हम लोग छोटे। योर डैड मूव्ड ऑन ब्रो। राइट सर। ही शुडंट हैव ना? बट सर योर डैड मूव्ड ऑन, ही गॉट मैरिड। यस सर। आपके डैड ने दोबारा शादी की, क्या प्रॉब्लम हुई नई मॉम के साथ आपको? राइट सर। या यू डोंट लाइक पीपल मूविंग ऑन बिकॉज ऑफ दैट? यस सर। प्रॉब्लम ये है भाई। हां, आई डोंट लाइक पीपल मूविंग ऑन। See, the thing is, आपसे बात करने के बाद हमें समझ आ रहा है कि actual problem is not with Karan और Anusha. The problem was कि जब कोई move on करता है, आपको हमेशा याद आता है that somebody's forgotten your mother and moved on. Ranvijay, I want to say first of all, I'm very sorry for the loss of your mom. और आपको पता नहीं है कि हम भी normal लड़की हूँ, है, and I have a family too. You know? हमारे पास भी लॉसेस होते हैं, बट दैट डजंट मीन मैं आपका लाइफ डिस्ट्रॉय करूंगी। आपको पता है मैं यहां पे आई थी ये फेक फोटोशूट करने में, और डू यू नो व्हाट, मैं सॉरी फील कर रही थी क्योंकि मैं बोल रही थी कि जब करण डांट रहे हैं आपको, मुझे डर लग रहा था कि आप ठीक होना चाहिए। आपको पता है ये मेरा सोच था, और आप ऐसी ऐसी शब्द मेरे बारे में, आपको जानता भी नहीं है मैं कौन हूं, मैं कैसी हूं, मैं कैसी लड़की हूं। आपको पता नहीं है मुझे इतना दुख देते हैं हमेशा। मैं सुबह सुबह मैं यही पढ़ रही हूं कि आप जैसे लोग मुझे चुड़ैल बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करो, ये करो, मेरा दिल भी है। अच्छी लड़की हूँ, मेरी पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, मेरी दो बहन भी बहुत अच्छे हैं, और आप ऐसा जज भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, और आपको पता नहीं मेरा दिल क्या कर रहा है। देख भाई मैं बताता हूँ, देख, यू आर अ नाइस गाय, ओके, ये सब बुरा हुआ है, यू हैव लॉस्ट योर मदर, इट्स नॉट इजी, but that doesn't mean that the world is a bad place, that all the other people are bad people. iska ye matlab nahi hai, duniya mein acche log hote hain, normal log, hum bhi utne hi normal hain, utne hi insaan hain jitna ki tu hai, jitna ki sare log hain. tune dekha woh ladki roi hai? yes sir. teri girlfriend roti thi na, sister roti hai na, acha lagta hai? yes sir. mom hoti aaj roti, acha lagta? to mujhe nahi acha lag raha jab woh ro rahi hai, woh meri girlfriend hai, pyar karta hu usse main. Here's the thing. There are two things, brother. एक तो मैं seriously तुम्हें एक advice दे रहा हूँ कि वापस जाकर talk to your dad. Yeah. उनसे consult करो, उनको बोलो कि जब when he moved on, you had these problems. जब तक तू उस problem को tackle नहीं करेगा ना, तब तक तू आगे नहीं बढ़ पाएगा. Moving on is beautiful, actually. Okay? Yes. ये हम तेरे को बता रहे हैं. Now that is one issue जो तेरा है, जो हमें समझ आया, and we wish you the best. Now. वो एक बात है, लेकिन जब कोई इंसान कोई चीज़ करता है उसकी भरपाई तो होती है. आपने कुछ कर तो दिया है, अब या तो इसकी पनिशमेंट मिलेगी आपको, या यू कैन रिडीम योर सेल्फ. एक्चुअली आई वुड अपोलोजाइज इफ यू वॉन्ट टू, गो फॉर इट. अनुषा मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी.
I promise I won't do it again. I respect you guys. और इसके बाद सर ऐसा नहीं होगा. और मुझे नहीं सर आइडिया था कि वो इतना हर्ट कर सकता है, इतनी प्रॉब्लम कर सकता है आप लोगों को. मुझे नहीं पता था कि ये चीज इतनी आगे तक जा सकती थी. I'm sorry sir. पाजी माफ कर दो सर. देख ये चीजें होती हैं. मैं एक्चुअली जेन्युइनली जानना चाहता था कि ये सब क्यों हो रहा है. एंड नाउ आई नो. Make your mom proud, okay? Because she's watching you. I won't do it again, mom. नहीं. I promise. मुझे पता है वो. माफी माफी मांगना अच्छी चीज है, ठीक है? लेकिन अपने आप को माफ करना बहुत जरूरी है तेरे लिए. First of all, Karun and Anusha, thank you so much for being on MTV Troll Police. Because of you guys, I think a lot of lives would change. Sorry, sir. आज का जो ट्रोल था जो करण और अनुषा के सामने आया, उससे पता लगा कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों को हर्ट करने लग पड़ा था. अगर आपके कुछ दोस्त हैं, अगर आपके भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो उनसे बात करिए, रिजॉल्व करिए. बिकॉज अगर आप अंदर से खुश रहेंगे तो आप किसी को भी दुख पहुंचाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं. इट वॉज अ यूनिक एपिसोड ऑन MTV ट्रोल पुलिस. एंड इसको देखकर अगर आपको थोड़ा सा भी एक आइडिया आता है कि यार मे बी द प्रॉब्लम्स इनसाइड, और हम किसी को अगर हर्ट करेंगे विल एंड अप हर्टिंग आवरसेल्व्स, वी वुड हैव डन आवर जॉब. दिस इज MTV ट्रोल पुलिस, वेयर नो ट्रोल इज सेफ.